के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर अपने घर पर पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी। बता दें, हर साल भगवान विश्वकर्मा पूजा का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कन्या संक्रांति के दिन भगवान विश्वकर्मा की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही फल मिठाई समेत आदि चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इस खास अवसर पर लोग अपने वाहन मशीन और औजार आदि की उपासना करते हैं। सीएम मोहन यादव ने अपने आवास पर ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा की। उनका अपना 74वां जन्मदिवस है, मेरी अपनी ओर से उनको भी बधाई। दीर्घायु हो, सतायु हो, परमात्मा की दया से जिस प्रकार से वो काम कर रहे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता, जो विश्व मान्य नेता के रूप में स्थापित हुए हैं और जिनकी दूरगामी नीतियों कारण से भारत सैकड़ों ने हजारों वर्षों तक अपनी एक अलग आभा मंडल के लिए अपनी भूमिका बना रहा है। हम सब कामना करते परमात्मा से उनको दीर्घायु हो। इसी प्रकार से माननीय मोदी जी ने जो विश्वकर्मा योजना बनाई है, इस विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो भी अपने हाथ में काम करने वाला है उसको काम करते करते अपनी आजीविका के साथ में मानव जन को भी सिद्ध करने के लिए जो अवसर माननीय मोदी जी उपलब्ध करा रहे हैं, ये बड़ी योजना है। मध्यप्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर के इस योजना को नीचे चरितार्थ करने में लगी हुई है। मेरी अपनी ओर से पुनः भगवान विश्वकर्मा की जयंती की बधाई और साथ ही साथ मोदी जी को भी पुनः बधाई।